भाई किए अरे खतरा में पड़ा मिलार। अकबर कर सोना के जुगाड़ कैले राणा संग खिलवाड़ चढ़ाई किए अरे खतरा में पड़ा मिलार। जब अकबर मेवाड़ पे तैयारी कर लिया कि मेवाड़ को हम अपने कब्जे में कर लेंगे और मेवाड़ पे शासन हुआ करता था महाराणा प्रताप का, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना छोटी है, क्षत्रियों की सेना छोटी है और अकबर की सेना बहुत बड़ी मात्रा में है। देखिए अकबर चढ़ाई कर दिया मेवाड़ पे, होता है क्या बिरहा में वो प्योर वीर भाव के गीत निकल गए थे। पहन चली हो पहन चली सात रंग की चोली पहन चली, जितने सैनिक है उनको लेकर के लड़ाई के मैदान में डट जाते हैं, लेकिन भाव लिखा गया है प्रताप का भाला। अपने वतन की रक्षा के लिए अपना प्राण की आहुति देने को तैयार है, लेकिन मेवाड़ को गुलाम होना नहीं देखना चाहते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा के साथ उनके वफादार साथी झाला सिंह लड़ाई के मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन लड़ाई दोनों तरफ से, एक तरफ भारी मात्रा की सेना है और एक तरफ मुट्ठी भर क्षत्रियों की सेना है। बिरहा कटेरी लगन मास्टर है,
चंदन से पावन अनमोल मुल्क की माटी लड़िया हल्दी घाटी में हुई। दोनों तरफ की सेना अपने आप में तैयार होकर के फिर रही है, लेकिन राणा की सेना छोटी है और अकबर की सेना बड़ी है। बिरहा में वो बड़ा सुंदर चौकड़ा हमारे कवि निकले हूं करके लड़ रहे हैं। राणा प्रताप लड़ाई के मैदान में घायल हो गए। राणा प्रताप को जब दुश्मनों के द्वारा मारा गया, वह तीर और तलवार लग जाती है, झाला अपने सरदार को देखते हैं, झाला सरदार को देखते हैं कि सरदार हमारे घायल हो गए, सरदार के साथ कुछ भी हो सकता है। झाला सिंह कहते हैं कि सरदार मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप घायल हो चुके हैं, लड़ाई का मैदान छोड़ करके चले जाइए। राणा प्रताप कहते हैं झाला तुम लड़ाई का मैदान छोड़ने की बात करता है हमसे, अरे हम भागने वाले बहादुर थोड़े हैं। झाला कहते हैं कि सरदार कोई अनहोनी हो जाएगी, मैं कहता हूं मैं इस लड़ाई को लड़ दूंगा, चाहे मेरे प्राणों की आहुति क्यों न दे दी जाए, लेकिन आप लड़ाई का मैदान छोड़ करके जाइए, आपको मेरी कसम है आप जाइए। राणा प्रताप जब अपने वफादार साथी झाला की कसम की बात सुनते हैं तो कहते हैं झाला ठीक है, आज तक जो तुमने कहा उसको हमने माना, आज भी हम तेरी बात को मान रहे हैं, लेकिन लड़ाई में कोई नुकसान न हो झाला। राणा से झाला कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा सरदार, आप अब राजमहल जाइए, आप अपना इलाज ट्रीटमेंट कराएं। झाला की बात मान करके राणा प्रताप चले गए। राणा प्रताप की पगड़ी गिरी हुई थी, राणा प्रताप की तलवार गिरी हुई थी। झाला अपने सरदार की पगड़ी को उठा करके अपने आंचल से झार रहे हैं, तलवार को उठा करके अपने गमछे से पोंछ रहे हैं, चूम रहे हैं, ये मेरे सरदार की तलवार है, ये मेरे सरदार की पगड़ी है, मैं इसका अपमान नहीं होने दूंगा। झाला अपने सरदार की पगड़ी को बांधे, अपने सरदार की तलवार को हाथ में लेकर के घोड़े पे बैठ जाते हैं। पगड़िया तलवरिया जो लेहला या बैठला घोड़ा पर ना, झाला के अंदर जना कि कहां से इतना एनर्जी आ गई, लगे कि राणा प्रताप कुदत होगा। लड़ाई के मैदान में झाला
राणा बनकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। बिरहा में एक बड़ी खूबसूरत गीत है, पुरस्कार आया है, सम्मानित किया गया श्री गिरिजा शंकर यादव जी कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय हैं लोक गीत सम्मेलन के। तो बहुत बहुत कोटि कोटि आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप जैसी विभूतियों के चलते इस तरह के कार्यक्रम हो जा रहा है। यहाँ के कमेटी के लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप लोग इतने वर्षों से इस तरह के भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का है कि जो अपना कीमती समय देकर आप लोग हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। और कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय हैं माननीय श्री नंदलाल यादव जी, तो आपके तरफ से हमें सम्मानित किया गया सादर 101 रुपए से, बहुत बहुत आपको प्रणाम हो। गीत कवनवा और ये पुरस्कार सादर 100 रुपए कन्हैया लाल यादव जी, ये बड़का अहिरान जगदीशपुर से, तो बहुत बहुत आपके हम नमन प्रणाम करे थे। सब भैया लोग हमारा और इससे नमन प्रणाम पहुंचे। तो कवन गीत है मास्टर भैया? Okay.
सरदार की पगड़ी और तलवार को लेकर के लड़ाई के मैदान में डट गए अपने सिपाहियों के साथ। दुश्मन को ये पता नहीं है कि झाला लड़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं राणा लड़ रहे हैं। और ये 201 रुपए से आपने इस वीर भाव में सम्मानित किया है माननीय श्री भोलानाथ यादव जी, बहुत बहुत कोटि कोटि आपको नमन प्रणाम करते हैं। आप ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं कि आपने तो दिल जीत लिया है। आप जब कभी भी याद करेंगे तो ये एक पांडे जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हम आपसे ये वादा करके यहाँ से जाएंगे। तो बहुत बहुत आपको हम नमन प्रणाम करते हैं। राणा प्रताप की पगड़ी तलवार लेकर के झाला लड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन को खबर नहीं है। बिरहा में एगो तर्ज लिखल गई है, बड़ी कचाका का तर्ज है। बाजे बिकट तलवरिया घेरे सेरवा को सिकरिया। तो बैरी समूह हसन कर पल रही, अरे बैरी समूह हसन कर पल रही, अरे आखिर गए पील छाला। समूह संकरत लड़ाई, आखिर गए वीर झाला मराई, दुश्मन की फैली फिकरिया। आखिर अपने सरदार की मेवाड़ की रक्षा करते करते झाला सिंह लड़ाई के मैदान में मार दिए गए। दुश्मन समझते थे कि राणा लड़ रहे हैं पगड़ी तलवार बांध करके, लेकिन जब दुश्मन जाकर के देखते हैं कि हम जिसे मारे हैं क्या राणा मर गया। और जब नजदीक जाती है अकबर की सेना तो राणा तो है ही नहीं, ये तो झाला मरे हुए हैं। झाला को देख करके दुश्मन सोचते हैं, ओहो असली जो दुश्मन है वह तो इसमें है ही नहीं है। दुश्मनों को जब यह खबर होती है, दुश्मन सीधा सीधा अब लड़ाई का मैदान छोड़ करके, सेना तो भाग गई, अरे जब सेनापति मार दिया गया सरदार छोड़ करके चले गए और सेना के सैनिकों की क्या भी साथ जो लड़ाई करे। अकबर मेवाड़ पे कब्जा कर लिया, आखिरकार मेवाड़ पे कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया। बिरहा के आल्हा में हमारे कवि बड़ा सुंदर भाव लिखे हैं। Thank you.
मेवाड़ पे अकबर कब्जा कर लिया तो महाराणा प्रताप अपने बीवी बच्चों को लेकर के जंगल का रास्ता पकड़ लिए। जंगल में घास की रोटी खाया वह बहादुर अपने मेवाड़ के लिए, घास की रोटी खा लूंगा, जिंदगी काट लूंगा, लेकिन समय आएगा तो अपने मेवाड़ को आजाद करा लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने की थी। बिरहा के आखिरी में होता है क्या, भूमि अपनी होले स्वर्ग से प्यारी जन्म भूमि अपनी। आदमी देश विदेश अमेरिका में घर बना ले, लेकिन जन्म यदि इंडिया में है तो मन करेला कि अपनी जन्म भूमि पर चल चलते। तो कई लड़ाई जम के रहना 20 साल हो, भाई लड़ा चांद मुल्क से खुशहाल हो। संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ को अपने दुश्मन से मुक्त करा लिया। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरु कारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कवि पच्चम जी बने पूजा, लड़िया हल्दी घाटी में हुई तो कच दो रामा कवि दुनिया माया के खाती। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। अपना लहू देकर शहीदों ने जो अपना लहू देकर इस देश को